मैं द बोटनिस्ट चैनल की तरफ से आज आप लोग को कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे बचने के सबसे अच्छा उपाय क्या हैं। COVID-19 बोलते हैं, कोरोना बीट वायरस बी मैन डिजीज 2019, उसको COVID-19 के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा वायरस है जो सांस लेने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। यह वायरस गले, श्वास नली और फेफड़े पर आक्रमण करता है और उसे बहुत तेजी से निष्क्रिय इनएक्टिव करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसके माध्यम कैरियर क्या हैं, तो यह व्यक्ति से व्यक्ति में किसी चीज़ को छूने से, हवा से हवा के माध्यम से तथा हवा के माध्यम मतलब छींकने से, खांसने से इत्यादि से यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, संक्रमित कर देता है। इसे वुहान वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे पहले चीन के शहर वुहान में अपना संक्रमण की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था। अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह के लक्षण पाए जाते हैं। यह इम्यूनिटी बेस्ड तरीके से काम करता है। अगर जो जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उनको संक्रमण से होने के बाद जल्द से जल्द उनमें लक्षण आने लगेंगे और जिनमें इम्यूनिटी पावर अच्छी है उसमें अपने ही समय के साथ उससे ठीक हो जाते हैं, बिना कुछ अस्पताल में गए ही ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर जो आपको हल्के भी लक्षण नज़र आए तो आप चिकित्सक की सलाह लें और अस्पताल में भर्ती हों। अब इसके लक्षण, समान लक्षण में बुखार, खांसी, सूखी खांसी, थकान और गले में हल्का दर्द। हल्के समान लक्षण में दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, दस्त, आँख आना, सर दर्द, स्वाद या गंध का चला जाना, त्वचा पर एक दाने या उंगलियों या पैरों के उंगलियों को काटना, ये सब इनके लक्षण हैं। इसके अलावे और गंभीर लक्षण सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ, सीने में दर्द या दबाव, बोलने और चलने फिरने में परेशानी। आपके पास गंभीर लक्षण है तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें और हमेशा अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से सुविधा लें और पहले उनको फ़ोन करके हल्के लक्षण वाले लोग जो अन्यथा स्वस्थ हैं उनके घर पर ही अपने लक्षणों का प्रबंध करना चाहिए और उनको होम क्वारंटाइन में रहना चाहिए। यह अपने लक्षण 5 से 6 दिन में दिखाने लगता है और कोई संक्रमित है तो हालांकि इसमें 14 दिन तक का समय लग सकता है। जिनमें बहुत हल्का लक्षण हो वो अपने होम क्वारंटाइन में रहें और पौष्टिक प्रोटीन, विटामिन इत्यादि से भरे हुए साग सब्जी खाएं, ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी बने रहें और वो खुद पर खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनमें गंभीर लक्षण या कोई लक्षण पैदा हो वो अस्पताल में भर्ती हो कर अपना इलाज कराएं। यह एक विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैला है। कई देशों में लाखों लोगों की इससे जान गए हैं और अभी भी इससे बहुत लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।